सिग्नेचर वाइज वैल्यू होती है, डिजाइन वाइज वैल्यू होती है, कंडीशन वाइज वैल्यू होती है। तो हमें वैल्यूएबल नोट कैसा होता है ये समझने के लिए हमें इनको टाइम देना पड़ता है। ऐसा डिमांड आएगी कि यदि आपके पास 3 मोर वाला नोट है तो हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, पड़ जाता है। अगर 6 ग्राम का है तो आपको मिलते हैं कम से कम 10 से 40 हजार रुपए। 2 बोट वाला नोट होना चाहिए, आपको मार्केट में ढूंढने पे मिल जाता है। सबसे पहले आपका परिचय दो और आपको सेवा करके कैसा लगा वो भी बताओ। सेवा करके तो इतना अच्छा लगा कि मैंने जो कलर की जितनी जिंदगी इन्हीं के साथ बिताऊं क्योंकि पार्टनर बहुत मुल्क से मिलता है। मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह है, दिल्ली से। जो इनकी मैंने 1-2 दिन से वीडियो मैंने से वीडियो देखने चालू करी है और उसमें से थोड़ा मेरे को जो मेरे अपनी पुरानी तिजोरी खुली नोट निकाली जो रखी थी भूला हुआ था इनको मैं वाकई। तो मैंने कहा चलो आज को दिखाते हैं, उन्होंने कहा कि एग्जीबिशन लग रही है तो फिर मैंने वो सेव कर ली वीडियो कि मैं भूल ना जाऊँ। तो आज सुबह ही मैं तैयार होकर आगे मैं इनको जाके मिला तो मेरा किस्मत है कि इनसे मेरे को इतना टाइम मिला मिलने का आज, वरना तो मौका तो मिलता नहीं। पूरा काम छोड़ के इधर आया हूँ तो थोड़ी जो पड़े थे मेरी करेंसी जो इंडियन है तो मेरे एक बार इनको चेक करके दिखाऊँ कि बेनिफिट क्या होता है और आगे से मेरे को इसकी जो वैल्यू है कैसे संभाल के रखनी है। क्योंकि वैल्यू ये भी है, ये भी जीरो नहीं है, इनकी भी पैसे हैं तो इसके आगे बढ़ोतरी इसके पैसे कैसे होगी तो ये मेरे को ये इसके राजनीति मेरे को। इसमें जो भी आपके नोट है ना, जो अच्छी कंडीशन के नोट है, जैसे ये अच्छे वाले नोट है, ये खराब नोट है, हाँ ये खराब है ना, तो इन दोनों को मिला के मत रखो, रोके, क्योंकि इसमें कुछ जर्म्स हैं, राइट, मतलब राइट। अपने आइल के निशान, डस्ट ये, तो वो जब इससे मिलकर रहेगा तो इसको भी खराब करेगा। ओके, तो हमको नए नोट अलग रखना है, पुराने अलग रखना है। यस, और अगर हमारे पास अच्छे नोट है, जैसे ये बहुत यूएनसी कंडीशन का नोट है, तो इसके लिए एक स्लीव खरीदना है, मतलब 100-100, 50-50 के पाउच आते हैं, वो आप 2 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए सारे अलग अलग साइज के खरीद लो और हर नोट को स्लीव के अंदर रखो। अगर आपके पास एक एक दो दो नोट है तो, यदि आपके पास इसमें के बहुत सारे नोट हैं तो उसके लिए गड्डी की स्लीव आती है कि 100-100 नोट आपको एक साथ रख सकते हो, राइट। तो वैसे करके आप रखो, उसके बाद आप इस पे लिख सकते हो कि इसका सिग्नेचर कौन है। इंसेट क्या, इंसेट ये रहता है, ये ए लिखा हुआ है ना ये, हाँ जी, इसको इंसेट बोलते हैं। ओके, ओके, और इसके आगे जो लिखा है इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। ओके, तो प्रीफिक्स वाइज इंसेट वाइज नोट की वैल्यू होती है, वैल्यू होती है, सिग्नेचर वाइज वैल्यू होती है, डिजाइन वाइज वैल्यू होती है, कंडीशन वाइज वैल्यू होती है। तो हमें वैल्यूएबल नोट कैसा होता है ये समझने के लिए हमें इनको टाइम देना पड़ता है और जब हम इनको टाइम देते हैं हमको इनसे प्यार हो जाता है, फिर हमको ये खुद बताना चालू करते हैं कि हम क्यों वैल्यूएबल हैं, राइट, है ना। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ एक पुरानी पद्धति में कुछ वेद हुआ करते थे, यहाँ हकीम लुकमान का नाम आपने सुना होगा ना, तो हकीम लुकमान जी जो है कोई दवा देते थे तो उससे 100% आपका इलाज हो जाता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हकीम लुकमान जी जो है वो पेड़ों के पास, पौधों के पास, औषधियों के पास जाके बैठते थे, उनसे वो प्यार करते थे, तो वो जो पेड़ पौधा औषधि जो होती थी ना वो खुद बताती थी कि मैं किस इलाज में काम आती हूँ। ये सच्चाई है, आप अपने घर के किसी पौधे को करके देख लेना, आपके घर में कोई ऐसा पौधा हो जिसमें फूल नहीं आ रहे हैं, आप उसको अच्छे से हक करो, उसके सामने बैठो, उससे बात करो कि भाई बहुत दिन हो गए, क्या हालचाल हैं आपके, आप में फूल क्यों नहीं आ रहे हैं, आप यकीन मानो आप 5-7 दिन अगर उनसे ऐसी बात करोगे ना तो उनमें फूल आने लग जाएंगे, उनके पत्ते हरे भरे हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप प्यार करना सीखो, जब आप प्यार करना सीखोगे किसी भी चीज़ से वो पूरी की पूरी आपकी हो जाएगी। मैं पूरा का पूरा आपका क्यों हूँ? प्यार है इसीलिए, आप लोगों का प्यार है ना, इसी वजह से मैं पूरा का पूरा आपका हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना जी। तो अच्छे नोट हैं आपके, कलेक्शन करो, इनको अलग अलग करो और अगली बार चाहा तो हम मिलेंगे आपके अच्छे एल्बम के साथ। अच्छा, मैंने एक चीज सुने राजी की, किसी ने मेरे को इन्फॉर्म किया था कि जो 10 करोड़ है जिसमें 2 मोर वाले 3 मोर होने चाहिए। नहीं नहीं, वो फ्रॉड है, ये जो ये वाला नहीं, 2 मोर वाला ही होते हैं, 2 मोर वाला ही होते हैं ना। एक और चीज़ का मैं खुलासा करता हूँ आज, ये मोर वाला नोट बोला जाता है इसको। आप कभी कभी देखेंगे तो आपको ऐसा डिमांड आएगी कि यदि आपके पास 3 मोर वाला नोट है तो हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, 3 मोर वाले की, है ना। यस यस, और आप जब ढूंढने जाओगे तो आपको 3 मोर वाला नोट मिलेगा भी, लेकिन वो फेक नोट है, गवर्नमेंट ने कभी भी 3 मोर वाला नोट नहीं छापा है। और इसके अलावा जैसे ये बोट वाला नोट है तो ये बोट वाले नोट के लिए भी बोलते हैं 2 बोट वाला नोट होना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट ने नहीं छापा है लेकिन आपको मार्केट में ढूंढने पे मिल जाता है, फेक नोट है। आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं, सीधे मुझसे बात करें फोन पर या फिर वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राजज्ञानी लिंक पर क्लिक करें
और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान। मेरी फोटो या द करेंसीपीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें। मैंने कहा फेक ही और दे दिया ना आपको। अरे ये वाला ऐसा क्यों? पता नहीं मेरे को। नॉलेज। क्योंकि मैं जीता हूँ उनके साथ, सोता हूँ उनके साथ, खाता हूँ उनके साथ। अच्छा। मेरी बीबी मेरे से कभी कभी बोल देती है कि आपने शादी मेरे से करी है कि उनसे करी है। सही बात है। और ये वाला भी फेक है? नहीं नहीं, ये वाला तो ओरिजिनल है, 10 रुपए में बिकेगा। और कोई लेने से मना करे तो 6 महीने की जेल भी हो जाएगी। तो मैं बता रहा था आपको कि ये जो 2 बोट वाला नोट है और 3 मोर वाला जो नोट है, मैंने ऐसा सुना है कि कुछ तांत्रिक लोग होते हैं, जब आप उनके पास जाओ कि मेरी प्रेमिका मान नहीं रही है, या मेरा मकान नहीं बन रहा है, या मेरे को गड़ा खजाना मिल सकता है क्या, या मेरे को सपने में आता है कि मेरे घर के नीचे एक सोने का कलश है, तो वो तांत्रिक समझ जाता है, वो कहता है कि हाँ तेरे घर के अंदर एक सोने का कलश है, लेकिन वो जगह कब बताऊँगा? जब तू मेरे को 3 मोर वाला नोट ला के देगा, तब तक तो एक काम कर, 1100 रुपये दे जा। अब उसको पता है कि 3 मोर वाला नोट है ही नहीं, फिर वो जाता है, भैया वो मिल तो नहीं रहा है। बोले नहीं मिल रहा है। अच्छा, वो तो 1 महीने पहले तू आया था, अब 1100 रुपये और दे तो फिर मैं देखूं कि और कुछ हो सकता है क्या। फिर बोलता है एक काम कर, तू 2 बोट वाला नोट लिया। वो बंदा फिर खुश होता है, चल 3 मोर वाला नहीं मिला, 2 बोट वाला तो मिलेगा। फिर वो ढूंढने निकलता है। अब जब ऐसे बहुत सारे लोग मार्केट में जाते हैं, भैया 2 बोट वाला नोट, 3 मोर वाला नोट, तो वो दुकानदार जो होता है वो परेशान हो जाता है। वो कहता है ये चक्कर क्या है, उसकी वैल्यू भी है। फिर वो नोट छपवाता है प्रिंटिंग प्रेस में जाके कि यार 3 मोर कर दो इसको। और फिर वो निकाल के आता है कि भैया ये 5,000 का, 10,000 का। तो जिसको तांत्रिक के यहाँ जाना है वो 10,000 रुपये देता है, खरीदता है। अब जब उसको मालूम पड़ता है दूसरे लोगों की उसके यहाँ मिल रहा है, तो उसके यहाँ भीड़ लग जाती है। और पड़ोसी दुकानदार को मालूम पड़ता है कि वो 10,000 में बेच रहा है, तो वो भी छपवा लेते हैं। फिर एक के बाद एक सारे लाइन लगा के छाप लेते हैं। फिर वो जो पहला नोट 5,000 का बिका था वो 50 रुपये में बिकता है, लेकिन वो सारे नकली होते हैं। मतलब आप किसी भी बात के पीछे उसकी तह तक जाओगे, गहराई तक जाओगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। बस आपके पास इतना समय होना चाहिए कि आप वहाँ गहराई तक जाओ, है ना। जो मोती होते हैं ना वो उथले पानी में नहीं मिलते हैं, उसके लिए आपको गोता लगाना ही पड़ता है। तो इसके अलावा और कोई बचा है जिनसे ये बहुत सवेरे साथ है? रांची से सर चल के आए, सिर्फ आपसे मिलने के। 3 महीने पहले जुड़े हैं, ये इधर से ही, यहाँ से मैंने सारे देख लिए। म्यूल क्वाइन ये सब जो है उस पार से उसमें है ही नहीं कुछ। कितने में खरीदे आपने ये? तो इसको तो दिया है 10,000 में ये सर। 200 रुपये कीमत है उसकी सर, इतना कम। और सब एक बार देख लीजिए ना, और 82 का भी है सब है। 82 का 6 ग्राम वाला जी? नहीं, ये 3 रुपए का सिक्का ही, थोड़ा सा ज्यादा है, 6 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा है। तो पैसे में बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर 6 ग्राम का है तो आपको मिलते हैं कम से कम 10 से 40 हजार रुपए, और थोड़ा सा ज्यादा है तो आपको मिलते हैं सिर्फ 3 से 5 रुपए। सब महंगे महंगे।